हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज तारीख हो चुकी है 17 मई 2023 और हर रोज की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2023 को लेकर, इसके साथ ही आईपीएल के सभी 10 की 10 टीमों के रिगार्डिंग दिन भर की जितनी भी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं उन सभी को लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। तो हमेशा की तरह काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो रहने वाली है और आप लोगों को इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोज़ की अपडेट तो सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की। सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है, जो एशिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलर टीमें होती हैं उनकी एक लिस्ट जारी की गई है, जहां पर डिपोर्ट्स एंड फाइनेंसेस नाम की एक मैगजीन के द्वारा सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट्स टीम इन एशिया के नाम से ट्विटर पर अप्रैल 2023 में जो सबसे ज़्यादा टॉप की 5 टीमें थी उनको रैंक किया गया है। इसमें नंबर 1 की पोजीशन पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम रही है, जिनके 9.97 मिलियन इंप्रेशन थे। नंबर 2 पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम है, जिनके 4.85 मिलियन। नंबर 3 पर राजस्थान रॉयल्स की टीम है, जिनके 3.55 मिलियन। नंबर 4 पर अल नसर एफसी, जिस पर शायद क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलते हैं, उनके 3.5 मिलियन। और उसके बाद नंबर 5 पर आती है मुंबई इंडियंस की टीम, जिनके 2.31 मिलियन इंप्रेशन हमें देखने को मिले हैं। कमेंट करके आप लोग बताना आप लोगों के हिसाब से आईपीएल 2023 में अभी तक की सबसे ज़्यादा पॉपुलर टीम कौन सी है। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल मुकाबला आज से 22 दिन के बाद होने वाला है, उसके लिए जो पिच है ओवल की, उसकी पहली इमेज हमारे सामने जारी कर दी गई है। क्योंकि आईपीएल के स्ट्रेट बाद भारत के जितने भी टेस्ट खेलने वाले प्लेयर हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डब्ल्यूटीसी के फाइनल मुकाबले को खेलने के लिए पहुंचने वाले हैं, तो ऐसे में उसकी पिच की जो पहली फोटो है वो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। कुछ इस तरीके से हमें काफ़ी हद तक ग्रीन ये देखने को मिल रही है, और जैसा कि होता ही है कि काफ़ी ज़्यादा स्विंग आप लोग इस पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल गाइज हम चलते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट की तरफ, और गाइज ये अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई इंडियंस की साइड से, जहां पर मुंबई इंडियंस के लिए अर्जुन तेंदुलकर के रिगार्डिंग एक काफ़ी बुरी अपडेट निकल कर आई है। वैसे तो मुंबई इंडियंस की टीम कल वाला मुकाबला भी हार गई, जिसके बाद इनका लास्ट वाला मुकाबला मस्ट विन हो जाता है प्लेऑफ के हिसाब से। तो ऐसे में अब मुंबई इंडियंस की टीम को झटका लगा है अर्जुन तेंदुलकर के रिगार्डिंग, क्योंकि अर्जुन ने बताया है जो मुंबई इंडियंस का एमआई टीवी पर शो आता है उसमें काफ़ी सारी बातें बताते हैं। तो अर्जुन तेंदुलकर उसमें एलएसजी के खिलाफ मुकाबले से पहले उन्होंने बताया कि उनकी जो गेंदबाजी करने वाली यानी कि जो उनका लेफ्ट हैंड है उसकी एक फिंगर को एक कुत्ते ने काट दिया था, जिसके बाद उनको गेंदबाजी करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अर्जुन इस बात को हमें बोलते हुए नजर आ रहे हैं मोहसिन खान को, और इसके साथ ही लखनऊ सुपर जायंट्स के मैनेजमेंट को, जहां पर मुंबई इंडियंस के इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर आप लोग इस वीडियो को लाइव देख सकते हैं, क्योंकि कॉपीराइट रीजंस के चलते हुए हम यहां पर इसको अपलोड नहीं कर सकते। अगर आप चाहेंगे तो हम इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम आप लोगों से पूछकर जो टीमों की रिलीज डिटेंट वाली वीडियो होने वाली है वो भी पूरी डिटेल में अपलोड करेंगे। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट की तरफ, और ये अपडेट निकल कर आ रही है आज होने वाले मुकाबले के रिगार्डिंग, जहां पर आज आईपीएल में हमें मुकाबला देखने को मिलने वाला है पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। जहां एक तरफ डीसी की टीम की बात की जाए तो 100% ये टीम प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें पीबीकेएस की टीम की तो ये टीम भी प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी पीबीकेएस की टीम के थोड़े से ज़्यादा चांसेस है अगर हम बात करें दिल्ली कैपिटल्स के कंपैरिजन में। तो इस मुकाबले से किसी को भी कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ने वाला, हाँ लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगर पंजाब किंग्स की टीम इस मुकाबले को जीतती है तो वो अपने जो थोड़े बहुत चांसेज हैं उन चांसेस को मेंटेन रखेगी, लेकिन अगर ये टीम आज का मुकाबला हार जाती है तो फिर दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स की तरह पीबीकेएस की टीम भी ऑफिशियली आईपीएल 2023 से बाहर हो जाएगी। तो इस तरीके से आज का जो मुकाबला रहने वाला है ये इनके लिए मस्ट विन मुकाबला रहेगा। कमेंट करके आप लोग बताना आज के मुकाबले के लिए आप लोग इंटरेस्टेड हैं या फिर नहीं, कि आपके हिसाब से ये वाला जो मुकाबला होने वाला है ये आप लोग देखने वाले हो या फिर नहीं। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट की तरफ, और गाइस ये अपडेट निकल कर आ रही है गुजरात टाइटन्स के और इसके साथ ही पंजाब किंग्स की टीम के रिगार्डिंग, जहां पर एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टैट निकल कर आया है। जीटी की टीम आप सभी लोग जानते ही हैं कि आईपीएल 2023 के प्लेऑफ में जाने वाली पहली टीम बन गई। इसके साथ ही ना सिर्फ प्लेऑफ बल्कि क्वालिफायर 1 भी ये टीम खेलेगी। 18 पॉइंट्स पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, और इसका मतलब है कि इनको दो चांसेस मिलने वाले हैं आईपीएल के फाइनल में जाने के लिए। और इसके साथ ही जीटी की टीम अपने पहले दो सीजन में दोनों के दोनों सीजन पॉइंट्स टेबल को टॉप कर रही है और सबसे खतरनाक टीम बनकर आई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें पीबीकेएस की टीम की तो 16 सीजन में पंजाब किंग्स की टीम प्लेऑफ में सिर्फ दो बार पहुंच पाई है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें गुजरात टाइटंस की तो इन्होंने अपने पहले दो सीजन में ही 100% एक्यूरेसी के साथ 100% तरीके से ये टीम क्वालिफायर 1 में जाने को तैयार है। तो एक तरीके से
फ्रेंचाइज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है PBKS का। तो जो स्क्वाड है वो लास्ट ईयर हमें GT से बेहतर लगा था, लेकिन उसके बाद GT के सारे प्लेयर्स परफॉर्म करने लग गए और अब गुजरात टाइटन्स की टीम इस साल भी IPL के टाइटल के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। इस बात से तो सारे लोग अग्री कर ही सकते हैं कि GT की टीम अगर क्वालिफायर वन में उनको दो मौके मिलते हैं तो एक ना एक मुकाबले को जीत कर फाइनल में पहुंच जाएंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। कमेंट करके आप लोग बताना आपके हिसाब से कौन सी ऐसी टीम है जो कि आपको लगता है कि इस बार GT को टाइटल जीतने से फाइनल में रोक पाएगी। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट जो कि निकल कर आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की साइड से, जहां पर आज से कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि दिल्ली कैपिटल्स की साइड से पृथ्वी शॉ रिलीज होने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम लगातार इनके साथ बातचीत में है कि ये पृथ्वी शॉ को अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम भी पृथ्वी शॉ को अपनी टीम में शामिल करना चाहती है, जहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की ओपनिंग जो है वो लास्ट के दो सालों से इनके लिए सरदर्द बनी हुई है। इनके पास कोई भी ऐसा फिक्स्ड ओपनिंग पेयर नहीं रहा जिसने कंटिन्यूअसली काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हो, तो ऐसे में ये टीम अब चाहती है कि ये पृथ्वी शॉ को अपनी टीम में शामिल कर लें, क्योंकि जब पृथ्वी शॉ फॉर्म में होते हैं, जब वो फुल स्विंग में होते हैं, उस टाइम पर वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। हमने चीज़ DC के साथ देखी थी, लेकिन उसके बाद DC की टीम ने इनको इस बार ऑलमोस्ट रिलीज ही अपनी टीम से कर दिया है, क्योंकि इनको प्लेइंग 11 से भी ड्रॉप कर दिया गया था। तो ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स की जो टीम है वो भी इस बार इनको टारगेट करने वाली है, तो CSK और उनके साथ ही KKR के बीच में इस बार आप लोगों को बिडिंग वॉर देखने को मिल सकती है पृथ्वी शॉ के लिए। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की सातवीं बड़ी अपडेट जो कि निकल कर आ रही है जोफ्रा आर्चर के रिगार्डिंग, जहां पर जोफ्रा आर्चर IPL 2023 से तो बाहर हो ही गए थे, लेकिन अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की साइड से इस बात की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है कि जोफ्रा आर्चर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से भी बाहर हो चुके हैं और इसके साथ ही इस साल होने वाले ODI वर्ल्ड कप में भी जोफ्रा आर्चर आप लोगों को खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। अब ये बात काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है कि ये हमें IPL से पहले भी इंजर्ड होते हुए नजर आए थे, सिर्फ IPL के कुछ मुकाबले इन्होंने खेले थे, जिसके बाद हमने आपको बताया था कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो मुंबई इंडियंस की टीम के साथ काफ़ी ज़्यादा नाराज था कि मुंबई इंडियंस ने इनकी फिटनेस 100% ना होने के बावजूद भी इनको प्लेइंग 11 में मौका दिया था। और अब ऐसे में काफ़ी हाई चांसेस इस बात के हैं कि जोफ्रा आर्चर को दो चांसेस मिलने वाले हैं, या तो वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ रहेंगे या फिर हो सकता है कि वो इंग्लैंड की इंटरनेशनल टीम से संन्यास ले लें और उसके बाद आपको सिर्फ दुनिया भर में जितनी भी T20 लीग होती हैं सिर्फ वहीं खेलते हुए नजर आएँ। सेकेंड वाले चांस की प्रायोरिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मुंबई इंडियंस की टीम ने ऑलरेडी इनको $1 million का ऑफर दिया है कि ये सिर्फ मुंबई इंडियंस के साथ रहेंगे और मुंबई इंडियंस के साथ लीग मुकाबले खेलेंगे। वैसे भी जैसी इनकी फिटनेस चल रही है, इंग्लैंड मुश्किल से ही अब इनको कंसिडर करेगी। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की आखिरी अपडेट जो कि निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के रिगार्डिंग। हमने आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर इन्फॉर्मेशन दी थी कि बेन स्टोक्स CSK की टीम का जो आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबला है दिल्ली कैपिटल्स के साथ, उस मुकाबले को खेलने के बाद इंग्लैंड लौट जाएंगे। हालांकि प्लेइंग 11 में तो ये नहीं है, लेकिन अगर CSK की टीम इनकेस प्लेऑफ में जाती है तो ये अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने बता दिया है कि अगर बेन स्टोक्स चले भी जाते हैं तो भी ये उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर सिर्फ 2-3 मुकाबलों के लिए किसी भी प्लेयर को नहीं बुलाने वाली। CSK ने कहा कि ऑलरेडी हमारे पास इनके लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट के तौर पर मिचेल सैंटनर मौजूद हैं, जो कि वैसे ही CSK चाहती है कि प्लेइंग 11 में खेले, लेकिन वो नहीं खेल पाते हैं टीम कॉम्बिनेशन के लिए। तो अगर इनको ज़रूरत महसूस होती है बेन स्टोक्स की तो फिर मोइन अली के बदले ये टीम अपनी टीम में मिचेल सैंटनर को प्लेइंग 11 में जगह देगी। तो गाइज ये वीडियो यहीं तक थी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब।